साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। आज हम आपको बताएंगे राम रहीम के कुछ ऐसे अनछुए पहलू, उनकी रंगीली दुनिया के कुछ ऐसे राज जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। राम रहीम की गुफा, जिसमें एक नहीं दो नहीं 250 से ज़्यादा साध्वी वहाँ पर सेवा में लगी रहती थी। इन सभी साध्वियों को राम रहीम किसी से मिलने नहीं देते थे। राम रहीम के अलावा कोई अन्य पुरुष इन साध्वियों से मिलने के लिए इनके पास भी नहीं जा सकता था। हर पुरुष को इन साध्वियों से लगभग 8 फीट की दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। कोई इनके पास जा सकता था या इन्हें छू सकता था वो थे खुद राम रहीम। उनके अलावा इन्हें कोई भी नहीं मिल सकता था। सभी साध्वियों की उम्र तकरीबन 25 से लेकर 40 साल की हुआ करती है। सन 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2 गुप्त चिट्ठियां मिली, जिसमें यौन शोषण के आरोप राम रहीम पर लगे हुए थे। और उस चिट्ठी की सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से हुई, और इस सीबीआई की जांच में 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया। और कल यानी 28 अगस्त को राम रहीम को इन आरोपों में 2 रेप केस में 20 साल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम के हेडक्वार्टर पर अभी भी छापा नहीं मारा गया है। अगर वहाँ छापा पुलिस मारेगी तो और भी वहाँ साध्वियाँ मिल सकती है। और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और जुड़े रहिए हर खबर के साथ सबसे पहले।